का नाम बताइए जिसके अंदर त्याग ना रहा हो और वो भगवान को पाया हो। त्याग जरूरी है और हम लोग क्या नहीं कर पाते, त्याग नहीं कर पाते। इसलिए गोपियों के अंदर भरपूर त्याग है। गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। गोपी का अर्थ क्या हुआ, जिन्होंने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया, समाप्त का कोई इच्छा नहीं। एक इच्छा सबसे बढ़िया, एक इच्छा तो रखनी चाहिए, बताओ कौन सी इच्छा। एक इच्छा तो होनी चाहिए, कौन सी? हाँ, भगवान को पाने की इच्छा। एक गोविंद को पाने की इच्छा के सिवा जीवन में कोई दूसरी इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये इस स्थिति तक कोई पहुंच जाएगा जिस दिन, उसी दिन से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक इच्छा के सिवा दूसरी इच्छा ना रह जाए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। एक भगवान को पाने के सिवा कोई चाह है। गोपियां काम धाम छोड़ती हैं, दौड़ती हैं गोविंद के लिए। जो छोड़ने लायक है वो सबको छोड़ देती हैं गोपियां। और पागलों की तरह श्याम सुंदर की खोज में निकल पड़ती है, कहां हो गोविंद, कहां हो गोविंद। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रित्य संयावा मनुद्वास्या परायुः परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः। एक सखी दूध पिला रही है बच्चे को और दौड़ पड़ी, पति को भोजन परोस रही है। एक सखी भोजन छोड़ा, सास की सेवा कर रही है छोड़ा, पति के चरण दबा रही है। लिम्पन्त्यः आंगनली प्रिय प्रमृजन्तोऽन्या अञ्जन्त्यः काश्च लोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकम् ययुः। सारा काम मतलब कृष्ण से बढ़कर कोई काम नहीं है गोपियों की नजर में। कृष्ण से बढ़कर कोई काम, कृष्ण को पाना सबसे बड़ा काम है। और आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम तो अपना कर्म करते हैं, हमारा तो कर्म ही पूजा है। हम लोगों से कहते हैं सत्संग किया करो, कथा सुना करो, नाम कीर्तन किया करो। अरे महाराज जी हमारा तो काम कर्म ही पूजा है, हमारी कर्म ही पूजा है। अच्छा ये बताओ कर्म पूजा है या नहीं, कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? उत्तर दो, कर्म ही पूजा है ये सही है या गलत है? जोर से, जोर से। सही है तो सही क्या है? कर्म ही पूजा है ये सेंटेंस सही है या गलत है? बोलो मेरी मां, गलत है कि सही है? कर्म ही पूजा है सही है या गलत है, आपको बताना है। बोलो मेरी मां, कर्म ही पूजा है ये सही है या गलत है? जोर से, चलो इसे और क्लियर करते हैं। कर्म ही पूजा है ये सेंटेंस सही है या अधूरा है? ना तो ये सही है ना तो ये गलत है, ये अधूरा है। इसे हम पूरा कर दें तो करो लो। कोई आपसे कहे कि कर्म ही पूजा है तो फिर उससे पूछो कि कसाई तो अपना कर्म कर रहा है गाय को काटने का, तो क्या आप उसे भी कह देंगे कि कर्म ही पूजा है? भाई कसाई गाय काटता है तो कसाई के लिए तो उसका गाय काटना ही कर्म है, तो क्या उसके लिए कर्म ही पूजा ये सेंटेंस उसके लिए सेट होगा? फिर गाय काटना पूजा कैसे होगा?
कसाई बकरे को काट रहा है, मुर्गे को काटने वाला मुर्गा काट रहा है, मछली को पानी से निकाल करके लोग बेच रहे हैं, तो कहें वो कहें कि जी हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, हमारा तो कर्म ही पूजा है, तो किसी की हत्या करना पूजा कैसे होगा। अब इसे पूरा करते हैं, ये सेंटेंस अधूरा है। जो लोग कहते हैं कर्म ही बड़ा है महाराज जी, ना भैया, कर्म तब श्रेष्ठ होता है जब धर्म युक्त कर्म हो। यदि धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वह कर्म श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म तो आप सब कर रहे हैं। शराबी भी अपना शराब पीकर कर्म ही तो कर रहा है, दूध पीने वाला दूध पीने का कर्म कर रहा, शराबी शराब, जुआड़ी जुआ खेल रहा, क्या कर रहा है, अपना कर्म कर रहा। तो कर्म ही पूजा में तो फिर आप जुआ को भी पूजा मानोगे क्या? इस संसार में जो हो रहा है सब कर्म हो रहा है। आंखों की पलक झपकना भी कर्म है, चीटी का चलना भी कर्म है, लेकिन कर्म कैसा हो? धर्म युक्त कर्म हो। कैसा कर्म होना चाहिए? मां की आरती उतारना यह भी कर्म है, और मां को गालियां देना यह भी कर्म हो रहा है, लेकिन यह कर्म अधर्म से भरा हुआ है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, होते तो तीन प्रकार के हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्मों की बहुत सारी चर्चाएं हैं, पर मैं दो प्रकार से आपको समझाऊंगा। कर्म दो प्रकार का, एक अच्छा कर्म एक बुरा कर्म। तो अच्छा कर्म कौन सा है, बुरा कर्म कौन सा है, ये कौन बताएगा जोर से? ये अच्छा कर्म है ये बुरा कर्म है, दोनों में अंतर कौन समझाएगा जोर से? दोनों में अंतर समझाने के लिए ही धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। जिसके अंदर धर्म का ज्ञान है वही ये डिसाइड करेगा कि ये गलत है और ये सही। इसलिए कर्म वही श्रेष्ठ होता है जो धर्म युक्त हो। तो गोपियों ने भगवान के लिए क्या छोड़ा? सारा कर्म छोड़ दिया। कर्म छोड़ा किसके लिए? धर्म के लिए। धर्म मीन्स भगवान धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, कृष्ण ही धर्म है। तो भगवान के लिए क्या छोड़ा गोपियों ने? कर्म छोड़ा। भगवान के लिए जो छोड़ सको भगवान के लिए, इसलिए हमारे यहां व्रत रखा जाता है, एकादशी का, कृष्ण जन्माष्टमी का, रामनवमी का, वामन द्वादशी का, है ना, नरसिंह जयंती का। तो हमारे यहां व्रत रखा जाता है इसलिए कि इन व्रतों के माध्यम से हम लोग थोड़ा थोड़ा त्याग करना सीखेंगे। आज भोजन का त्याग किया तो कल बुराइयों का त्याग करेंगे, अभिमान का त्याग करेंगे, विषय वासनाओं का। इसी बहाने हमारे ये व्रत हमें त्याग की परिभाषा समझाते हैं। त्याग को परिभाषित करने के लिए व्रत रखा जाता है।